सो गाइज, हम लोग इस वक्त हैं नागपुर के अंदर। तो ये है ताज मटका रोटी सेंटर। इसको बनाना एक आर्ट है और काफ़ी मुश्किल है बनाना। सो इसी पार्ट में मिलती है ये ताज मटका रोटी। देखिए कैसे लगाएगी इसको, रुमाली से बिल्कुल हटकर आइए। देखो ऐसी लेप लगा दिया हो, रुमाली से बिल्कुल हटकर है। रुमाली और इसमें काफ़ी फ़र्क है। पक गया, एड्रेस नीचे लिखा हुआ है। इससे पतली रोटी मैंने आज तक नहीं खाई। तो खाने का मज़ा आता है चिकन लेग पीस के साथ। चिकन है इसको, ये जो इनका महाराष्ट्र स्टाइल जो तेल होता है ना, इसको खड़े मसाले बॉईल करे जाते हैं, उसमें चिकन को डाला जा रहा है, पकारा जा रहा है। ये देखिएगा, इस तैयार है, उसी तेल को उसमें ही डालते हैं, छान लेते हैं चिकन उसमें से, उसमें दोबारा चिकन डालेंगे। बेसिकली चिकन का फ्लेवर ऐड ही होता जा रहा है उसमें। चिकन प्लेट रेडी। क्या तरी है, लाल लाल, बिल्कुल अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। बस इन्होंने कुछ धनिया डाल दिया इसमें से। ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इनका पीस रहता है। कौन कौन आप में से नागपुर में से हैं? इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें और भी दिखाएगी आपको। कुछ चीज़ें वेजिटेरियन भी इस वीडियो में, तो वेजिटेरियन भी डिसपॉइंट ना हो। ऑलमोस्ट बन चुका है। कितनी देर पकाएगा? तैयार है बढ़िया सा चिकन डिश हमारा। ये जाएगा मटका रोटी के साथ या मटकी रोटी के साथ। आंडा, नींबू, दोबारा देख लीजिए आप। नेक्स्ट जगह जो आपको लेके आया हूँ, यहाँ पे मिलता है काफ़ी अमेजिंग चीज़ पराठा। जो इनका बनाने का स्टाइल है ना, मुझे सबसे अलग लगता है। मैंने खड़े होकर देखा यहाँ पे कैसे लगा रहे हैं, आप देख सकते हो। घर में भी ऐसा ट्राई कर सकते हो, बड़ा आसान है। अरे स्टफिंग इसमें निकलती नहीं, टेक्निक है ज़रा सी। ये अमूल बटर जैसी फेमस है ना, वैसे अमूल का चीज़ भी काफ़ी फेमस है। इन्होंने अपने जो मेगा से पटाटा वड़ा में जो डलता है ना आलू, वो है मिक्सचर। ये कैप्सिकम वैप्सिकम जो आपकी बिल्कुल मस्त सी टॉपिंग होती है। कितना भर दिया पराठा इन्होंने, वो चीज़ हो चीज़ देखो, लुक एट दैट गाइस। अरे वाह, देखो इन्होंने बीच में से कैसे फोल्ड लगाया है, इसको दबा के इसको बंद कर रहे हैं। मतलब कभी कभार हम घर में पराठा बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है बीच में ना टॉपिंग पहुंचती नहीं है। ये तरीका देखो, बस एक बार बेल देना अच्छे तरीके से। मोटा पराठा ये अब जाएगा तवे पे।
मुझे लगा टूट जाएगा। अरे वाह क्या लुक आ रही है, समझ क्या कलर आ रहा है। क्या खुशबू इस परांठे की, चीज बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अरे वाह भाई साहब क्या मजेदार चीज है ये। कट लगा रहे अब, और आप ये मत सोचना कि क्वालिटी वीडियो की कम है। अभी लॉकडाउन के अंदर ना यूट्यूब ने पीछे से क्वालिटी कम रखी है, तो इस फॉर्मेट में रखे या दूसरे फॉर्मेट में रखे फुल एचडी क्वालिटी रहती है, लेकिन यूट्यूब ने अभी सभी के लिए कम कर रखा है। 480p से ऊपर वीडियो चलेगी ही नहीं। चीज़ अगर ऊपर कम बढ़ गया हो तो ऊपर से भी चीज़ बढ़िया सा मूल चीज़। अरे वाह जी वाह, तो मजा आ जाएगा। आप ये देखो इन्होंने कितना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। बाकी सब जगह आप देखो जो चटनियाँ होती है ना उसको वैसे ऊपर रखते हैं, इन्होंने एक प्रॉपर रेफ्रिजरेटर बना रखा है जहाँ पे चटनी का टेम्परेचर बड़ा अच्छा मेंटेन होता है, चटनी ख़राब नहीं होती, बासी नहीं होती इस कूल बॉक्स में। ये मुझे चीज़ आपकी काफ़ी अच्छी लगी। जिस ढाबे में लाइक आया हो ना आपको दाल मखनी भूल जाओगे। देखो जैसे कोयले की आँच पे अंगारों में येलो दाल बना रहे हैं। येलो दाल काफ़ी लोग बोल सकते हैं यार येलो दाल कितनी बोरिंग होती है, लेकिन मैं देखो पूरी वीडियो आपको समझ आएगा कि नागपुर में येलो दाल के क्या नज़ारे हैं। परम दाल ढाबा नाम है, एड्रेस पूरा दे दिया नीचे। ओहो अमूल बटर में तड़का लग रहा है इसका, क्या करेंगे इसमें ये डाल रहे हैं टमाटर। अरे वाह टमाटर तो अभी डाला नहीं, अब डाल रहे प्याज और बटर, लगता है पूरा ही जल चुका है। क्या टेस्ट तो खाने में, चावल डाल दिए। ब्राउन ब्राउन राइस हो गए जो कैरमलाइज हुआ था ना, हमने एक टाइम लगा ये दाल में डाले थे, लेकिन नहीं ये तो फ्राइड राइस कुछ बना रहे हैं। पटीला देखो कितना बड़ा है इनका दाल का, सिर्फ ये दाल ही बेचते हैं इस ढाबे में, तो मेन टॉप सेलिंग है इस ढाबे का। आप खाओगे ना प्यार हो जाएगा आपको पीली दाल से चने वाली। तंदूर की रोटी, तंदूर की रोटी प्योर आटे की नहीं है, उसमें मैदा मिलाते हैं, आपको कलर से पता लग रहा होगा पीछे जब तंदूर की रोटी आ रही होगी। दाल हमारी कोल्ड राइस थोड़ा गलत कर रहे हैं, चम्मच से यूज़ करा करो, ये तो पहले शूट करके हमने, आई होप कोरोना टाइम के बाद ये लोग ग्लव्स का यूज करें या फिर और कुछ यूज करें। मजा आपका तो पूरी वीडियो देख के मेरे से मुँह में अब तक पानी आ गया होगा। एड्रेस देख लो, जब भी जाओ नागपुर
यार जरूर खाना, मजेदार।